हेलो एंड गुड आफ्टरनून, मैं नैना दुबे स्वागत कर रही हूँ आप सभी का टॉपिक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम बात कर रहे हैं जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है कि गरीब स्वर्णों को मतलब जनरल कैटेगरी को 10% के आरक्षण दी गई है। 7 जनवरी को इसे घोषित किया गया है, अभी इसकी घोषणा हुई है, तो हम इस पर बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि हमें अभी तक ऐसा नहीं लगता था कि हाँ जनरल कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन आ सकती है, क्योंकि इतने सालों से इसकी मांग की जा रही है बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है। एंड बिल्कुल इन्होंने गेम चेंजर की तरह इसे काम कर दिया है अपना। तो अब हम इसे डिटेल में विस्तार में बात करेंगे सारे पॉइंट्स की कि इससे लाभ क्या है, इसमें सरकार को क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, विरोधी दल कौन समर्थन में है, कौन इसके ऑपोजिशन में है, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या लाभ मिल सकता है और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उनकी क्राइटेरिया क्या है, मतलब वो किस क्या क्या होनी चाहिए तब वो उसमें अप्लाई कर पाएंगे, तो हम सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। बस हाँ एक रिक्वेस्ट है, मैं ऐसी वीडियोस या इस तरह के न्यूज़ जो भी अब अपकमिंग में आएंगे मैं उसे ऐड करूँगी, इसे मैं लाऊँगी। बट एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, या तो आप लाइक कर दीजिएगा या कमेंट में मुझे बताइएगा, जैसे कि हमारे टॉपिक स्टडी के इतने सारे सब्सक्राइबर हैं तो बस मुझे पता चलनी चाहिए कि हाँ आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं और एफर्ट करके ऐसे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। बट हाँ आपका भी एक सपोर्ट चाहिए, आप प्लीज़ एटलीस्ट लाइक करके मुझे बताइएगा या कमेंट करिएगा, या कुछ ऐसे अपडेशन ज़रूरी हो तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। गरीब स्वर्णों मतलब जनरल कैटेगरी को हम स्वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो गरीब जितने भी गरीब जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 10% के आरक्षण की घोषणा की गई है। इसमें लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट की अध्यक्षता मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। और लोकसभा चुनाव में जैसे कि हम जान रहे हैं कि 100 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं, 100 से भी कम दिन, इसीलिए इन्हें गेम चेंजर कहा मैंने। और केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण की खास बात यह होगी कि इसमें 50% आरक्षण की सीमा के ये ऊपर होगा, मतलब मैं समझा रही हूँ कि 50% तक का आरक्षण है। अब ये मत समझिए कि जैसे SC ST कोटा है, SC ST के लोग हैं, OBC है, कुछ डिजेबल पर्सन है, उनके लिए जो आरक्षण है अब वो ख़त्म हो जाएगा और जनरल की आ जाएंगी। चीज़ें समझ में आ रही है, मतलब हमारी मतलब ये जनरल की जो 10% की आरक्षण है ना, वो उसे कुछ जो पिछले आरक्षण है उसमें उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, वो पिछला आरक्षण जो है एज यूजल वो रहेगा और 10% के आरक्षण को और जोड़ी जाएगी। मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ 60% आरक्षण हो जाएगा अब देश में। तो देखिए सरकार से इस आरक्षण को लागू करने के लिए मंगलवार को मतलब आज संसद में संशोधन विधेयक पेश करेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगलवार को ही शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई है। मतलब देखिए इनके शीतकालीन जो उनकी सत्र होती है इसके आखिरी दिन में ही मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, तो भाई ये तो गेम चेंजर वाली बात ही हुई है। अब देखिए स्वर्णों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, बिल्कुल ये जनरल कैटेगरी के लिए क्यों है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार का ये कदम जो है सराहनीय है। हाँ भाई हमें 10% भी दिया गया है तो ये तो अच्छी बात है। इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव को पास किया। सरकार के इस फैसले से जितने भी SC ST OBC के लिए जो आरक्षण की पुरानी व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले कह दिया। पहली बार गैर जातिगत और गैर धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की गई है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ना तो जनरल कैटेगरी के लिए ना तो कोई कास्ट का प्रावधान है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि गैर जातिगत में ही हम आ रहे हैं जनरल कैटेगरी लोग, तो उन्हें आरक्षण देने की ये पहली कोशिश की गई है। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि प्रस्तावित आरक्षण अनुसूचित जातियाँ जिसे हम SC कहते हैं और ST और अन्य जितने भी OBC अब जिन्हें आरक्षण जो मिल रहे हैं ना 50% वाले, तो ये समझ लीजिए कि अब जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो जनरल कैटेगरी की बात हो रही है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए भी अगर आरक्षण लागू हो जाए तो ये आरक्षण का आंकड़ा बढ़कर 60% हो जाएगी, माने 60% हो जाएगी। इसमें ओवरऑल बस यही समझना है आपको कि 50% ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो जितने भी SC ST OBC है आप मत घबराइए, आपका आरक्षण कम नहीं हो रहा है, बस जनरल के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके 10% ऐड हो जाके 60% आरक्षण हो जाएंगी, ठीक है। देखिए एक चीज़ बताया गया कि आरक्षण आर्थिक रूप से कमज़ोर ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो अभी आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, जाट, मराठा, भूमिहार, कई व्यापारिक जातियाँ, कापूर, कम्मा सहित अन्य
ये कह लीजिए कि जातियों को ये मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आप देखिए, ये जो 50% से अधिक का आरक्षण नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसके लिए कोशिश किया भी गया था, बट सुप्रीम कोर्ट हर बार मना कर देती है। अभी क्या है, अभी का आरक्षण आप देखिए 22.5% जो है ये अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 22.5% का है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के लिए देखिए 15% का है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 का है। अब ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है, तो उसे शामिल करने का इनका जो टोटल परसेंटेज बनता है ना, ये है 49.5%। अब इसमें बात हो रही है कि हमारी 10% जो है ये जुड़ जाएगी। चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे विस्तार से कि हाँ, जो जनरल कैटेगरी से आरक्षण की बात हो रही है, इसमें 10 बड़ी बातें क्या हैं। तो इसमें ये, इसे आप ध्यान दीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी जनरल कैटेगरी है, उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। समझ आ रही है चीज़ें? मतलब मान लीजिए कि जो भी जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है ना, जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो वहां जनरल कैटेगरी को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें 10% की रिजर्वेशन मिलेगी। इवन आप पढ़ाई करने जा रहे हो और उस यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगी। सरकार आरक्षण को लागू करने के लिए मंगलवार को संसद में संशोधन पारित करेगी। अभी सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण की व्यवस्था ही लागू है। आरक्षण लागू करने के लिए सरकार को मौजूदा आरक्षण अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण पर रोक लगाई है। सरकार ने 10% ईबीसी कोटा का प्रस्ताव रखा है। आरक्षण 8 लाख सालाना आमदनी वालों को मिलेगा। अब यहाँ थोड़ी सी ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए, इसके पहले मैंने जो बातें कही है यही है कि आपके 50% है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है कि 50 के ऊपर आरक्षण जाएगा ही नहीं। तो अब जो 10% ईबीसी कोटा के तहत मोदी जी ने ऐलान कर दिया है, तो उसके लिए संसद में बिल पारित होगी। लोगों का कहना है कि बिल इतनी जल्दी पारित थोड़ी ना हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखो, हमें इस चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये जो मिलेगी, ये जो आरक्षण, ये कैसे मिलेगी। देखिए, आरक्षण 8 लाख सालाना आदमी वाले को मिलेगा। आपकी वार्षिक इनकम या एनुअल इनकम या सालाना इनकम अगर 8 लाख है या 8 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको ये रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलेगा। 5 एकड़ से कम जमीन वालों को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। मतलब आपकी जो ज़मीन है वो अगर 5 एकड़ से कम है, जिस व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक संपत्ति होगी, उसे इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 5 एकड़ से अधिक की आपके पास संपत्ति है, तब आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में ये बदलाव किया जाएगा। क्योंकि देखिए, 15 और 16 में कहीं भी ये नहीं दिया है कि जनरल कैटेगरी को कभी भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये बातें सामने आ रही हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 15 और 16 अनुच्छेद में तो बदलाव करना ज़रूरी है, तभी जाके ये 10% मिल पाएंगी। संविधान के अनुच्छेद के बारे में भी मैं आपको बताऊँ। देखिए, दरअसल संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक असमानता के आधार पर है। वहीं मोदी सरकार का हालिया फैसला आर्थिक आधार पर श्रेणियों का आरक्षण देने का है। संविधान के अनुसार आय और संपत्ति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, संविधान के अनुच्छेद के अनुरूप आरक्षण का आधार केवल सामाजिक असमानता ही हो सकती है। इसमें अनुसूचित जाति का मैंने बताया 15, अनुसूचित जनजाति का 7.5 और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी कैटेगरी है, उन्हें 27% का आरक्षण मिलता है। देखिए, 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा को आम तौर पर 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के सभी फैसलों में कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो भाई, ये तो बात हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, कि इसमें लिखा है बकायदा कि इससे 50 से तो ज़्यादा आरक्षण मिलेगा नहीं। और अब मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। अब देखो, अब यहाँ जानिए कि किसे किसे ये आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने कहा, जिसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम है, जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम खेती ज़मीन है, जिसका 1000 वर्ग फुट से कम ज़मीन पर मकान है, कस्बों में 200 गज जमीन वालों को, शहर में 100 गज जमीन वालों को, राजपूत ब्राह्मण कायस्थ भूमिहार बनिया जाट गुज्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा।
अब जाति की भी आप बात देख रहे हैं, इन सबको मिलेगा। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 15-16 में संशोधन होगा, आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक आपको कि किसे किसे ये आरक्षण मिलेगा। अब चलते हैं हम इसके लाभ पे, ऐसे ऐतिहासिक फैसले जो आए हैं, अब इसका लाभ क्या होगा। कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले का लाभ जो है ये राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बनिया सहित आर्थिक रूपों से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। आरक्षण शिक्षा मतलब मान लीजिए सरकार या प्राइवेट सार्वजनिक रोजगार में इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें हम जान रहे हैं कि भाजपा की हार हो गई है। अब एक वजह ये भी है कि इससे ST एक्ट जो हुई थी इसके खिलाफ जनरल की नाराजगी बताई जा रही है। तो ये सब सोचते हुए मोदी सरकार ने क्या किया कि ये 10% आरक्षण दे दिया ताकि जितने भी मान लीजिए कि गरीब जनरल कैटेगरी है वो उनके पार्ले में आ जाए। अब ये भी एक बात कही जा रही है, तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। ठीक है, अब देखो जनरल को 10% जो आरक्षण देना है वो केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा, तो सामने उनकी क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी अब हम वो ध्यान दे रहे हैं। मैं बता रही हूँ आप सुनिए, ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब का तो ज़रूरत नहीं है। हमें काम था कि इसके क्या लाभ है, इसके क्या क्राइटेरिया है, वो चीज़ें हैं क्या एक्चुअल। संविधान जो बताया जा रहा है न्यूज़ में आ रही है कि अनुच्छेद 15 और 16 आर्टिकल 50 एंड 60 में इतने सारे संशोधन होंगे, तो वो सारी क्या चीज़ें थी, वो चीज़ें सारी हमने पढ़ ली। बट हाँ, एज अ न्यूज़ क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इसमें सारा डिटेल रख दिया है, इसके अलावा आपको कहीं भी बाहर नहीं पढ़नी होगी कि चलो इसके अलावा क्या, आपको जो भी चीज़ें चाहिए सारी इसमें इंक्लूडेड है। लाइक देखिए, जितने भी जनरल कैटेगरी है उसके आरक्षण पर सरकार की डगर जो है वो काफ़ी मुश्किल से भरी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार जितने ये जो आरक्षण वाली फैसले आई हैं ना उस पर रोक लगा दी थी। तो सरकार के लिए फैसले को वैध ठहराना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। जैसे कि अमेंद्र सरन ने कहा, जो कि पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिए जाने की सुविधा में व्यवस्था नहीं है, सिर्फ शैक्षणिक सामाजिक आधार पर पिछड़ेपन को आधार बनाकर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे कि हम जान रहे हैं ना ST OBC के लिए है, हमारे लिए जनरल के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार के इस कदम से करीब 60% आरक्षण हो जाएगा, ये सुप्रीम द्वारा तय आरक्षण की सीमा से ज़्यादा है, लिहाजा इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सरकार के लिए वैध ठहराना बहुत ही मुश्किल होगा। जैसे मोदी जी को अब थोड़ी मुश्किलें की तो सामना करनी पड़ेंगी, बट देखिए अब ये गेम चेंजर करते क्या हैं। ठीक है, देखिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए क्या होगा कि सरकार को दोनों सदनों में, मैं यहाँ आपको क्या बता रही हूँ पता, डिटेल कि अब जो संसद में इसे चेंज किया जाएगा ना, जो आर्टिकल है 15 और 16 जो आर्टिकल उसे चेंज होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले दोनों सदन जो राज्यसभा होते हैं और लोकसभा होते हैं उसमें उन्हें कम से कम 2/3 बहुमत जुटाना पड़ता है, वोट मतलब। लोकसभा में तो सरकार के पास बहुमत है ही, लेकिन राज्यसभा में उसके पास अपने दम तक विधेयक पारित करने के लिए मैंने उनकी क्या कह सकते हो आप, उनकी संख्या बल का अभाव है। दूसरी चीजें तो यही सारी चीज़ें हैं कि देखिए इसमें उन्हें ये प्रॉब्लम आएगी कि संविधान में अभी तक ST के अलावा तो और कहीं भी किसी तरह का जिक्र नहीं था, बट इस बार जनरल की है। तो ये सारी तो चुनौतियां हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए कुछ चीज़ें आ रही हैं, इलेक्शन की बात है, कांग्रेस तिल मिला उठी है कि भाई ये तो सच में इन्होंने गेम चेंजर की जैसा पत्ता ही फेंक दिया अपना लास्ट में एक, कि हाँ चलो रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी भी हमारे पक्ष में आ जाओ। तो कुछ मैं रिएक्शंस बताती हूँ। जैसे सरकार ने जो ये 10% EBC का कोटा प्रस्ताव किया है, तो कांग्रेस सरकार ने इस पर बहुत सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कह रही है कि 4.5 साल तक मोदी सरकार क्या कर रही थी। सही बात है भाई, वैसे 4.5 साल तक मोदी सरकार क्या कर रही थी, नौकरियां कहाँ हैं। धीरे धीरे अब नौकरी का सवाल भी बड़ा हो रहा है। कैबिनेट के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया आई है कि देखिए 4 साल 8 महीने का इंतजार इन्होंने क्यों करवाया, यह तो निश्चित रूप से एक चुनावी छलावा ही है। हाँ, ये लोग इलेक्शन जीतने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने आपको बता दिया कि ऐसी तो इनकी रिएक्शन आ रही हैं विपक्षी दलों की। ठीक है, जैसे कि हम अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मान लीजिए कि अगर मोदी सरकार इसे संसद सत्र का विस्तार करे और इसे तत्कालीन कानून बनाने के लिए संविधान में संशोधन करे तब ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये संसद में पारित होकर तुरंत ये 60% जो अब जो 10% है ये सच में मतलब उसकी घोषणा हो जा रही है ऑफिशियली तौर पर,
तो ये ठीक है, अदरवाइज तो ये चुनावी स्टंट ही है। मतलब आप इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कर रहे हो। तो फिर किसी ने कहा है कि ये मोदी सरकार एक लॉलीपॉप दिया है इन्होंने, ऐसी ऐसी बातें हो रही है इसमें। तो ये कुछ है विपक्षी दलों के नियम। अब हम जानिए, देखिए हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले ये बहुत कोशिश किया गया था कि ये जो आरक्षण की बात आई थी ना, तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था। क्यों? देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने 2016 में गुजरात सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की घोषणा में इन घोषित किया गया था, लेकिन गुजरात सरकार ने 6 लाख रुपये से कम वार्षिक आय परिवारों को 10% आरक्षण देने की बात की थी। सेकेंड में था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 2015 में राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 14% आरक्षण देने की घोषणा को गैरकानूनी घोषित किया था। इसे ऐड करने का मेरा मकसद ये है कि आप जान लीजिए कि न्यायपालिका द्वारा पूर्व में, माने हमारे पास्ट में, उन फैसलों को जब उसने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के फैसलों पर रोक लगाई थी, तो ये कौन कौन से थे आप इस यहाँ आप देख के पढ़ सक रहे हो अगर आप डिटेल में जाना चाहो तो। इसलिए मैंने कहा कि मैंने डिटेल में सारी चीज़ें ऐड की है। अब हम आ रहे हैं निष्कर्ष पे कि भैया निष्कर्ष क्या निकला इसका। तो देखो मोदी सरकार का फैसला जो है, ये तो सही बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये गेम चेंजर साबित जरूर होगा। अब पाला कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल मोदी सरकार जीत सकती है भाई, 10% का रिजर्वेशन दे रही है। तो देखो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में बदलाव का आदेश दिया था। इसके बाद क्या हुआ था कि जितने भी दलित थे उन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया। फिर केंद्र सरकार ने नया कानून बनाया जिससे जनरल काफ़ी नाराज हो गए। अब देखो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम जान रहे हैं कि भाजपा की हार हो गई है। इसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो SC ST एक्ट आई थी ना, इससे जनरल कैटेगरी काफ़ी नाखुश थे। तो बस मोदी जी ने क्या किया कि आरक्षण का एक मरहम लगा दिया 10% का, और गरीब जितने भी जनरल कैटेगरी है उन्हें अपने पाले में करने का एक दावा खेला है। देखिए भाई ये सब बातें न्यूज़ में आ रही हैं। मेरा पर्सनल व्यू यही है कि अच्छी बात है कि हमने जनरल कैटेगरीज को 10% का रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीज़ें न्यूज़ की थी, मैंने आपको पढ़ा दिया, इस डिटेल में पूरी डिटेल है, इसमें आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा कि आरक्षण में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, संशोधन क्यों करना है, आर्टिकल 16-15 है क्या, क्या लाभ मिले, आपकी क्या क्राइटेरिया है। पहले जो सुप्रीम कोर्ट जब मना कर दे रही थी, बहुत बार जो आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया था, तो उसमें क्या क्या विधेयक थे, आई थिंक मैंने सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है। बात आती है अब ये 10%, ये तो इनका इलेक्शंस है, ये इनका चलता रहता है। हमें पढ़ाई में बस इतना ध्यान रखना है कि 10% का आरक्षण मिल गया है, इसके लाभ आप जान लीजिए और इसकी क्राइटेरिया जान लीजिए, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब ओवरऑल कंक्लूज़न यही आ गया कि सरकार के इस फैसले से एक बार फिर BJP को वोट कर सकते हैं लोग, ठीक है। ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी आ रही है। सो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से अगर मैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लाऊं तो उसमें मैं वो चीज़ें चेंजेस कर सकूं। एंड हाँ, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे नैना दुबे नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।